नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार LRC का जो रिज़ल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया था, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 22 जनवरी को क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद 23 जनवरी को जो हाई कोर्ट में केस किया गया था उसको रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया, मतलब एक दिया गया कि जो UGC है उसको अलाउ किया जाए। तो इसका जो फाइनल हियरिंग है यानी जजमेंट है वो लगभग 5 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट जो है 19 दिसंबर को जारी किया गया था, उससे एक दिन पहले हम लोग जो है कई सारे स्टूडेंट्स और मैं भी जो है BCC बोर्ड ऑफिस में गया था। तो BCC बोर्ड ऑफिस में गया था तो उस दिन भी बोला गया था कि 18 जनवरी को हम, मतलब 18 दिसंबर को हम लोग गए थे, तो 18 दिसंबर को भी जो है मीटिंग था LRC डिपार्टमेंट के साथ BCC बोर्ड का। और लगभग एवरी मंथ, है ना, लगभग एवरी मंथ जो है 18 डेट को, मतलब डेट 18 हो, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, महीना में एक बार जो है मीटिंग होता है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग हो, दोनों ही माध्यम से आपका मीटिंग हो सकता है। तो वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो कैसे करवाना चाहता है। इसके अलावा आपका वीकली मीटिंग भी जो है आपका होता है, तो कई सारे मीटिंग जो है टाइम टू टाइम चलते रहता है। तो यहाँ पे फाइनली एक मीटिंग हुआ 18 जनवरी को माध्यम से यहाँ पे बताया गया। और ये मीटिंग कब हुआ, मतलब 18 तारीख को तो हुआ ही, इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए एक मीटिंग हुई, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेट दिया गया है 29 जनवरी को जय सिंह के द्वारा ये साइन किया गया है। यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिला स्तरीय प्रगति की समीक्षा उपरांत निम्नलिखित, मतलब कई सारे बातों को जो है निर्देश दिया गया है और उन बातों को यहाँ पे जो है माना जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आगामी समीक्षात्मक बैठक से 2501 से 5000 खेसरा तक वाले ग्रामों की प्रगति की समीक्षा पूर्व में 2500 खेसरों तक की समीक्षा के लिए निर्धारित प्रपत्र में करना सुनिश्चित किया जाए। इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसमें जो मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे जानना है वो मेन पॉइंट्स आपका यहाँ पे दिया गया है। पाँचवा नंबर पॉइंट में आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो जिला स्तरीय बंदोबस्त पदाधिकारी और जो संविदा पे, है ना, जो संविदा पे कर्मी जाने वाले हैं यानी नव नियोजित होने वाले हैं, उनकी प्रक्रिया जो है यथाशीघ्र पूर्ण होने वाली है, मतलब अंतिम चरण में है, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। तो जिसमें एक शिविर प्रभारी होगा, 2 कानून को होगा, 2 लिपिक होगा और अंचल के कुल राजस्व ग्रामों के विरुद्ध प्रत्येक 4 ग्रामों के लिए जो है एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की पद स्थापना को देखते हुए जिला एवं अंचल स्तर पर पर्याप्त तैयारी जो है, है ना, जितने भी तैयारी होनी चाहिए वो करना है और जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों के योगदान लेने संबंधी तैयारियों का सुनिश्चित कर लिया जाए। इन बातों को जो है मीटिंग में रखा गया और यथाशीघ्र, मतलब जल्दी से जल्दी जो है वैकेंसीज को क्लियर किया जाए। तो यहाँ पे अब कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो LRC का जो वैकेंसी है, है ना, वो कैंसिल होने वाला, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और अगर ये कैंसिल होने वाला रहता तो 23 जनवरी को जो कोर्ट के तरफ से एक दिया गया कि UGC अलाउ होगा,
वो उस पे देखते हुए 29 जनवरी को जो मीटिंग हुआ उसी में वो बोल देता है कि भाई अब हम कैंसिल करेंगे और री एग्ज़ाम जो है हम लेंगे। तो ऐसे बात तो कहा नहीं गया, यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया कि अंतिम चरण में है, यानी यथाशीघ्र मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा इस वैकेंसीज को क्लियर किया जाए। तो अब ये भूल जाओ जो लोग आपको बोलते हैं कि कैंसिल होगा, तो भाई कैंसिल नहीं होगा, दम गांठ बांध लो, ज़्यादा जगहों पे उड़ने और जाने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बना बैठो और अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं जिसका भी आपने फॉर्म भरा हो, चाहे गेट हो, ईएससी हो, है ना, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी जेई हो, है ना, झारखंड एसएससी जेई हो, या जो भी आपने एग्ज़ाम भरा है या आने वाले समय में भरेंगे उसका प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे एलआरसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, है ना, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिल सके। और कई सारे लोग बोल रहे हैं कट ऑफ का वीडियोस बनाने के लिए, ना कई सारे लोग बोल रहे हैं, देखो कट ऑफ का वीडियो जो है मैंने डिसाइड किया है कि जो जजमेंट है यूजीसी को लेकर हाई कोर्ट में का, वो लगभग 5 फरवरी को आने वाला है, ठीक है, तो 5 फरवरी को आने वाला है, यानी 6 या 7 फरवरी को, है ना, 6 या 7 फरवरी को मैं आपको जो है कट ऑफ सेफ जोन कौन सा है और कितना रैंक तक है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट नहीं, मैं मेरिट लिस्ट की बात करूँगा, है ना, ताकि आपको उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल सके और आप उससे देखकर अपने आप को एक जज कर सके कि हाँ आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा या फिर नहीं।